हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो, खुशहाल हो और सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे हों। तो मैं हूँ अनीता और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी डिश बनाने जा रही हूँ, यानी कि मखाने की खीर। बहुत ही आसानी से बन जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दबाए बेल आइकन को और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खीर बनाने के लिए यहाँ पर 20 ग्राम मखाने ले लिए हैं। 20 ग्राम आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन जो मखानों का वेट होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। तो 20 ग्राम में बहुत सारे मखाने जो है चढ़ जाते हैं, दुकान से आ जाते हैं। अब मखानों को भून लेते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और 2 बड़े से चम्मच यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। मखाने हमेशा घी में ही भुने जाते हैं, न कि तेल में भुने जाते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए मखानों को भून लेंगे, जब तक एकदम ये क्रंच ना हो जाए। वैसे मखाने भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और टोटल डिपेंड करता है मखाने की क्वालिटी के ऊपर। अगर आपके मखाने थोड़े से सीले हुए हैं तो इनको भुनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर सही तरीके के मखाने हैं तो 5 से 6 मिनट में मखाने भुन जाएंगे। जैसे ही मखाने भुनेंगे ये थोड़ा सा जो है कलर चेंज करेंगे। आप इस तरह से एक मखाने को उठा के देखें, अगर ये क्रंच हो रहा है, फूट रहा है तो समझिए कि मखाने एकदम तैयार है। अगर नहीं फूट रहा है, थोड़ा सा दबदबा हो रहा है तो मखाने तैयार नहीं है। 5-4 मिनट के लिए आप उसको और भूने एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो मखाने यहाँ पे भून चुके हैं, बस 2-4 मिनट के लिए कढ़ाई में थोड़ी सी देर के लिए इनको छोड़ देती हूँ ताकि मखाने एकदम थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो हमें मखाने ऐसे खीर में नहीं डालने हैं, उसके लिए हमें थोड़े से मखानों को भचूर लेना है, यानी कि दरदरा कर लेना है। तो मैंने मखाने तो भून लिया, उसके बाद मैं मखानों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने मखाने जो है सारे प्लेट में यहाँ पे निकाल लिया और मखाने भी बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, थोड़े से, ये जैसे निवाय से होते हैं कुछ इस तरह से है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे पैन ले लिया और 1 लीटर दूध इसमें मैंने डाल लिया है। पानी की क्वांटिटी आप इस खीर को बनाते वक्त ज़्यादा ना रखें, हो सके तो दूध ही दूध में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी आपकी खीर बनेगी। तो थोड़ा सा मखानों को दरदरा कर लेते हैं। हमें सारे मखाने यहाँ पे दरदरे नहीं करने हैं, लगभग में 1/4 मखाने हमें यहाँ पे दरदरे कर लेने हैं ताकि खीर बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर ऐसे ही आप साबुत के साबुत मखानों को खीर में डाल दोगे तो खीर बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़े से मखानों को आप दरदरा कर ले ताकि खीर में एकदम बहुत ही अच्छे से गाढ़ापन आ सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इनको पीसा नहीं है, ना ब्लेंडर में इनको ब्लेंड किया है और ना ही किसी चीज़ की हेल्प से इनको कूटा है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है 1/4 हिस्सा जो मखाने थे उनको मैंने केवल दरदरा किया है। दूध अच्छे से गर्म हो चुका था, अब मैंने यहाँ पे मखानों को डाल दिया है। खीर बनने में 8 से 10 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा यहाँ पे। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये दूध वाली डिश है, दूध उबलता बहुत ज़्यादा है। तो आप यहीं पे खड़े होकर खीर को बनाएं और ये देखिए खीर में जो है एक उबाल सा आने लगा है। तो आप इसको लगातार बराबर चलाते रहे क्योंकि ये कभी कभी साइडों में भी लग जाते हैं अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि दूध की क्वांटिटी ऑटोमेटिक जैसे जैसे कम होती है तो उसमें मलाई आने की वजह से वो साइडों में लगने लगता है। इसी तरह से आपके मखाने भी लगने लगेंगे, तो आप इसको बीच बीच में लगभग में चलाते रहे। तो ये देखिए खीर जो है लगभग में बन के तैयारी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। मीडियम मीठा होता है, ज़्यादा मीठा या कम नहीं होता है। बाकी आप कम ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो कम ज़्यादा आप चीनी की क्वांटिटी को कर सकते हो। तो खीर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, यानी कि बनकर हमारी तैयारी हो गई है। तो बस 2-4 मिनट के लिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा और पका लेंगे और साथ में यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से जो मैंने गोले का बारूदा लिया है, क्योंकि मार्केट बंद है, बाज़ार से जो गोले का वैसा बारूदा होता है वो नहीं आ रहा। और वैसे भी इस खीर में जो हमारा सूखा नारियल होता है उसको थोड़ा सा कस ले और थोड़ा थोड़ा सा उसको काट ले वो डाले, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखिए खीर हमारे बनकर एकदम तैयार हो गई है, गर्मा गर्म मीठी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सी। तो खीर तो हमारी बन गई है, तो चलिए अभी इसको बारी आती है सर्व करने की। सर्व करने के लिए मैंने खीर को थोड़ा सा गार्निश कर लिया है, थोड़े से मैंने मखाने डाल लिए हैं।
थोड़ा सा पिस्ता डाल लिया और थोड़ा सा गोले का बारूद डाल लिया है। यकीनन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है ही, लेकिन टेस्टी इतनी ज़्यादा है कि आप रोज़ खाने का मन करेगा। अगर आप एक बार बना लोगे तो फ्रेंड बताइएगा ज़रूर आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।